हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि 12 का और 10 का आंसर शीट कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या फिलअप करना है। ये वीडियो खास इसलिए बना रहा हूँ कि 10 हमारा लॉकडाउन के टाइम गया, हम लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम हम लोग कौन से प्रॉब्लम को फेस करना है वो तो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो आंसर शीट में आपको किस तरह से अपना पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप करना है और किस तरह मेथड होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप ध्यान से देखो किस तरह वर्क रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे होलक्राफ्ट स्टिकर लिखा हुआ है, उसके यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किस तरह फिलअप करनी है। तो फिलअप करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है उन्होंने कि यहाँ पर आपको अपना सीट नंबर लिखना है। तो मेरा सीट नंबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सीट नंबर अगर मेरा इस तरह रहेगा, मेरे हॉल टिकट में जो सीट नंबर है, जैसे यहाँ पे सीट नंबर दिया हुआ है, ये सीट नंबर है, इस सीट नंबर में मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। यहाँ पे आपको भी लिखना है यहाँ पे सीट नंबर अपना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये सारा चीज़ अक्षर में लिखो या तो वर्ड में लिखो। तो मैंने लिखा यहाँ पर M3,30,314। जैसे आपके हॉल टिकट में लिखा है वही चीज़ लिखी हुई है मैंने भी, अलग से कुछ मत लिखना। ये पूरी प्लेस आपको अपना सीट नंबर लिखने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर, मतलब जो एग्ज़ाम देने वाला हुआ है उसका सिग्नेचर होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो एग्ज़ामर रहेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, तो वहाँ पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर नंबर, सेंटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर नंबर 42322। तो मैंने वही सेंटर नंबर यहाँ पे टाइप किया, या तो आपको लिखना है, टाइप नहीं करना है, ये सीट नंबर। जैसे आपने ये फिलअप किया उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, जो फर्स्ट पेपर मेरा इंग्लिश है इसके लिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे इंग्लिश। पेपर के यहाँ पे मैंने डैश दे दिया, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन का ही डेट लिखा, 21/2/2023। यहाँ पे आप जो भी पेपर लिखने वाले हैं कौन से माध्यम से है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तो हम लोग 12 का देख रहे हैं तो हम लोग को लैंग्वेज आंसर क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जो एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ामर रहेगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर ये स्टिकर चिपकाएगा, जिसे बोला जाता है, उन्होंने बोला है होल्ड क्राफ्ट स्टिकर। ये स्टिकर यहाँ पर चिपकेगा, जिस कारण आपका जो भी सीट नंबर है और आपका जो भी डिटेल्स है वो किसी पेपर चेक करने वाले को नहीं मिलेगा। ये जो फोल्डिंग है उसके अंदर ही स्टिकर चिपकेगा, ये कटिंग मार्किंग है यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है वहाँ के अंदर ही। उसके बाद यहाँ पे बारकोड आपका चिपकाया जाएगा। ये जो है ये वर्क आपको खुद करना नहीं है, आपको जो एग्ज़ामर रहेगा वो करके देगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह वर्क होने वाला है यहाँ पे। इस तरह आपका ये पूरा डिटेल्स आपको फिलअप करना है। डिटेल्स फिलअप किया हुआ यहाँ पे पेपर आप देख सकते हो इस तरह है। ये हो गया आपका ऊपर वाला पेज फर्स्ट। उसके बाद इसके अंदर सेकेंड पेज इस तरह पूरी इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने की वैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो मराठी लैंग्वेज में आपको रीड करने में तकलीफ हो सकती है और टाइम वेस्ट भी हो सकता है, इसे आप आराम से रीड करना जब पेपर ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हो, या तो पहले टाइम है तो आप इसे रीड करके रख सकते हो। थर्ड पेज है आपका आंसर सेट, वहाँ पर इसे अच्छी तरह से देखो किस तरह दिया हुआ है उन्होंने। तो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, मैं इसे इस तरह रहेगा। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट यहाँ पे डाला। उसके बाद अगर आपने पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे आप लिख सकते हो आप क्वेश्चन वन में से ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए वाले में आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कौन सा सॉल्व कर रहे हो, ए वन, ए में से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया वन करके, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी रहेगा, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। ऐसे पांच क्वेश्चन हैं तो मैंने दूसरा यहाँ पे क्लिक किया, ये किया सॉल्व किया, वो थर्ड नीचे, फोर्थ नीचे, ऐसे मैंने यहाँ पे थर्ड किया, फिर मैंने यहाँ पे फोर किया, मैंने यहाँ पे फिफ्थ किया और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ए यहाँ पे ख़त्म हुआ। ख़त्म होने का बी है मेरा उस यहाँ पे, तो बी को कंटिन्यू मत करो, यहाँ पे आप ऐसे पेंसिल से या तो पेन से आपको लाइन ड्रॉ करना है। आपको दो ही पेन लेके जाना है, एक तो ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा कोई भी कलर का पेन आपको लेके जाना है। फिर क्वेश्चन वन में ही मेरा बी चालू हो रहा है तो मैंने क्वेश्चन वन इधर डाल दिया, यहाँ पे सेम मेथड यूज़ किया मैंने, क्या किया मैंने, ऐसे ही मैंने यहाँ पे पेंसिल से मार्जिन जैसे बना लिया और यहाँ पे मैंने टाइप यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन है उसको भी मार्क्स होते हैं, ध्यान में रखना आप पेपर सॉल्व करने के टाइम आपका पेपर लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंस होता है, उसका भी मैंने वन यहाँ पे लिख दिया, मैंने टू यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे थ्री लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी लाइंस, मतलब क्या कि जो भी क्वेश्चन आपको नया सॉल्व करना है वो नया पेपर के बाद, ऐसे पेजेस आपको 20 पेजेस होंगे। अगर मेरा सेकंड क्वेश्चन चालू होता है तो मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए नया पेज लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा क्वेश्चन नंबर टू और उसका ए वन टू थ्री जो भी लिखा है वो कंप्लीट करके मैं कंप्लीट पेपर लिख सकता हूँ। थैंक यू।